नमस्कार जी, स्वागत है आपका अंजना राणा किचन में। आज हम बना रहे हैं हरी मिर्ची का अचार। हमने आधा किलो हरी मिर्ची अच्छे से धो के सुखा के ले लिया है। 5-6 नींबू का हमने रस लिया हुआ है और हमने गुड़ लिया है, नमक लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी ली है, 1/2 चम्मच हमने अजवाइन ली है और 2 बड़े चम्मच हमने गर्म मसाला लिया है। अब हम मिर्ची का अचार बनाएंगे। हमने सारी मिर्ची को ऐसे करके बीच में से हमने कट लगा लिया है। कट इसलिए लगाया हमने, जो हमारा इसमें मसाले होंगे वो इसके अंदर अच्छे से रच के चले जाएंगे। ऐसे ही हमने सारी मिर्ची को कट लगा लिया है। अब हम इसका अचार बनाएंगे। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों के तेल का। अब हमारा सरसों का तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा। अब हमारा सरसों का तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने नींबू का रस लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमने नींबू का रस डाल दिया। अब हम इसमें जो गुड़ लिया है वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी और अजवाइन जो ली है हमने वो हम इसमें डाल देंगे और इसके स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक। और अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। आप इस तरह से मिर्ची का अचार बना के देखना, खाने में बहुत टेस्टी होता है। और आप जैसे तुरंत बनाओगे तुरंत इसको खा सकते हैं और सालों तक ये अचार खराब नहीं होता है। अब हम इसको गुड़ को इसमें अच्छे से मेल्ट होने देंगे, थोड़ा उबाल आने देंगे इसमें, फिर हमने इसमें मिर्ची डालेंगे। अब हमारा इसमें बॉयल आ गया है जो हमने मसाले डाले हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मिर्ची, मिर्ची को हम इसमें डाल देंगे। अब हम स्लो गैस पे मिर्ची को हमने 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेना है। ऐसे हम इसको हिलाते रहेंगे और 5 मिनट के लिए इसको स्लो गैस पे थोड़ा सा हमने हल्का सा पका लेंगे इसको। अब हमने 5 मिनट के लिए मिर्ची को इसमें पका लिया है। अब हमारी मिर्ची का अचार बनके तैयार हो गया है। ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। बाकी ये जब इसमें अचार में खटाई और मसाले में मिक्स होके अच्छे से गल जाएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। इस अचार को आप परांठे के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप भी इस तरह से ये मिर्ची का अचार बना के देखना, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आज आपको मेरा गला बैठा बैठा लगेगा तो मेरे को ठंडी की वजह से मेरे गले की आवाज़ थोड़ी दबी दबी आ रही है। अब ये हम गैस बंद कर देंगे। अब हमारा ये मिर्ची का अचार बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।